जय श्रीमन नारायण, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव माइक्रोबायोलॉजी। माइसेल्फ हर्षिता गैरवा, वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। सो टुडे एज पर आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक से बताऊंगी जो आप इजीली उस टॉपिक से कनेक्ट कर पाए, एंड दैट टॉपिक इज डेयरी वाइटनर की प्रोसेस। सो टुडे इज माई टॉपिक इज द प्रोसेस मेकिंग ऑफ डेयरी वाइटनर और मिल्क पाउडर। जैसे हम सब जानते हैं कि मिल्क पाउडर और या डेयरी वाइटनर क्या होता है, वी ऑल आर अवेयर विद इट, बट हम ये नहीं जानते कि वो बनता कैसे है या इसको सबसे पहले कब बनाया गया था, क्या पर्पस था, क्या क्या प्रोसेस लगती है, कैसे इसका स्टोरेज होता है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है या कोई इसका डिसएडवांटेजेस है, क्या इसका जो कैल्शियम फैक्टर है या जो भी इसका बैलेंस डाइट में न्यूट्रिशनल फैक्ट है वो डिफर हैं या सेम है। ये सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को मैं क्लियर करूँगी इन द वीडियो। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सवाल ये आता है कि डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था। सो डेयरी वाइटनर को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1952 में। इसे 1952 में बनाया गया था, एंड जिस कंपनी ने इसको कमर्शलाइज्ड किया था उसको नाम दिया था प्रीम, एंड प्रीम को बनाया गया था डिहाइड्रेटेड शुगर एंड क्रीम से। डिहाइड्रेटेड शुगर एंड क्रीम। इसके बाद लेटर आफ्टर सिक्स ईयर्स के बाद 1958 में फिर से इसको एक कार्नेशन लेन नाम की एक कंपनी ने दोबारा बनाया, एंड उसको स्प्रे वाइटनर के नाम से लाया गया था, विच इज पर्पसली मेड फॉर द पाउडरिंग। इन 1958 दी कार्नेशन लेन, और इन्होंने स्प्रे बनाया था, स्प्रे और पाउडर। सो अब क्वेश्चन ये होता है, क्या मिल्क पाउडर का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो नॉर्मल मिल्क से इक्विवेलेंट है या फिर उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस में है? तो सबसे पहली चीज, जो हमारे फ्रेश मिल्क का न्यूट्रिशनल फैक्ट होता है वो बिल्कुल एज इट इज मिल्क पाउडर में भी होता है। जो जो न्यूट्रिशनल उसमें चीजें हैं, लाइक आपका वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन 12, आपका कैल्शियम हुआ, आपका मिनरल्स हुआ, आपके जो भी अदर इम्पॉर्टेंट और असेंशियल न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे कवर करता है। साथ ही साथ में इससे ऐसा नहीं होता कि इसका कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो। मे बी जो लोगों को मिल्क सॉलिड से एलर्जिक होते हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई कोई डेयरी प्रोडक्ट से काफ़ी एलर्जिक होता है, तो जो डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक होंगे तो वो चॉकलेट को भी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि चॉकलेट में भी मिल्क सॉलिड पड़ा हुआ होता है। तो जो लोग मिल्क सॉलिड से ही, इंडिविजुअली मिल्क सॉलिड से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, सिर्फ उनके लिए एक डिसएडवांटेज का काम कर सकता है, वो भी एलर्जिक पर्पस की वजह से। अदरवाइज इसका कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, ओनली फॉर एलर्जिक पीपल्स। क्योंकि जिनको मिल्क सॉलिड से ही प्रॉब्लम है वो मिल्क सॉलिड से बना हुआ किसी भी चीज़ का कंजप्शन नहीं कर सकते, इवन चॉकलेट का भी इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इसको बनाने की प्रोसेस क्या है। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई सीन से अंडर अप टू दिस टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेज होता है रॉ मिल्क का। रॉ मिल्क आता है, उसके बाद उस दूध को प्री हीटिंग में डाला जाता है। दैट मींस कि उसको हाई टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए बॉईल किया जाता है। आफ्टर दैट देयर वाज अ सेपरेशन ऑफ मिल्क फैट मैक्सिमम 0.15%। मतलब फिर क्या होता है कि जो गर्म दूध होता है उसमें से जितना भी फैट होता है उसको सेपरेट किया जाता है एंड मिल्क को अलग किया जाता है। तो अबाउट आई थिंक मैक्सिमम 0.15% मिल्क आप सेपरेट फ्रॉम द मिल्क। देन इट गोज अंडर द पास्टराइजेशन प्रोसेस। जब ये पास्टराइजेशन प्रोसेस में जाता है तो पास्टराइजेशन प्रोसेस में इसको 85 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 मिनट रखा जाता है। 85 डिग्री सेल्सियस पे इसको 1 मिनट के लिए रखा जाता है। जब पास्टराइजेशन प्रोसेस डन हो जाती है तब इसको एवोपरेशन पर रखा जाता है। जब इसको एवोपरेशन में डालते हैं तो एवोपरेशन में क्या होता है कि जो टोटल सॉलिड्स होते हैं दे जस्ट सेटल डाउन, एंड जो लिक्विड्स दे वो हट जाते हैं। इसके बाद में जब ये एवोपरेशन की प्रोसेस हो जाती है तो इसमें आता है हाई प्रेशर होमोनाइजेशन।
ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हाई प्रेशर हार्मोनाइजेशन का एक टेक्निक इसलिए बनाया गया है ताकि जिस तरीके से हम मिल्क हुआ या कोई भी अदर चीज हुई या कोई भी अदर डेयरी प्रोडक्ट हुआ जिसके अंदर हमें डेवलप ऑफ पैथोजेंस को रिस्ट्रिक्ट करना है, ख़त्म करना है, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्रेशर हार्मोनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से ही जब वो रोटेट ज़्यादा उसमें होता है, स्पीड में होता है, तो जितने भी उसमें पैथोजेंस अवेलेबल होते हैं या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होते हैं वो सब चीज़ें हट जाती हैं। एंड जैसे ही ये वाली प्रोसेस लगती है, एक तरीके से एश्योरिटी लग जाती है उस मिल्क प्रोडक्ट की या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट या किसी भी कर्ड की या पनीर की या फिर आप कह लीजिए चीज़ की, तो जिसमें भी ये प्रोसेस इस्तेमाल हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस आता है, एक तो एश्योरिटी होती है कि आपका फूड सेफ है, दूसरा जो इसका शेल्फ लाइफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी लंबे समय के लिए बढ़ जाता है, क्वालिटी एनहेंस होती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, एंड साथ ही साथ जितने भी उसकी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि उसमें हाइजीनिक की प्रॉब्लम है, पैथोजन तो नहीं है, एलर्जिक तो नहीं है, इन्फेक्शियस तो नहीं, जो भी इस तरीके के क्राइटेरिया इससे रिलेटेड होते हैं इस प्रोडक्ट से, वो ऑलरेडी ड्यू टू दिस प्रोसेस कट हो जाते हैं। वो इसलिए कट होते हैं क्योंकि जैसे ही इसका प्रेशर हाई होता है तो जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं या फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हट जाते हैं एंड लिक्विड हट जाता है। तो जैसे ये हट जाता है तो जितने भी इसके साथ में पैथोजेंस अवेलेबल होंगे, जितने भी वो चीज़ें होंगी जिसके वजह से इसका एस्पेक्ट गलत हो सकता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आउट कर देता है। इसमें जो टेम्परेचर लगाया जाता है वो 50 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल, 150 मेगा पास्कल लगाया जाता है एंड अप टू 200 मेगा पास्कल तक ही ओके रहता है, अप टू 200 मेगा पास्कल तक ये कंफर्टेबल रहता है। अब जब ये हार्मोनाइजेशन वाली प्रोसेस हो जाती है तो क्योंकि इसमें फैट मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया जाता है, लिक्विड पार्ट को अलग कर दिया जाता है, तो इसमें जाता है अभी स्प्रे ड्राइंग में। स्प्रे ड्राइंग का मतलब है कि वो सारे जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बार बार नीचे कटते चले जाते हैं एंड उसमें जाता है ये, तो ये 180 डिग्री सेल्सियस पे इनलेट आते हैं, मतलब अंदर की तरफ आते हैं मशीन्स के थ्रू, एंड जब ये बाहर निकलता है तो ये 70 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है, एंड जब ये निकलता है तो डायरेक्ट मशीन से यहाँ से निकला और इधर पैकेजिंग मशीन लगी होती है एंड यहाँ पे ये पैक होकर निकल आता है, क्योंकि जब इससे हार्मोनाइजेशन प्रोसेस से निकलता है तब इसका टेम्परेचर होता है 180 डिग्री, एंड जब ये ड्राइंग होके निकलता है, सूख के निकलता है, इसके मॉलिक्यूल्स अलग होके निकल जाते हैं पार्टिकल्स के, तभी 70 डिग्री सेल्सियस को होके निकलता है एंड फिर ये आता है ये पैकेजिंग में। जब ये पैक्ड हो जाता है तो ये स्टोरेज में रखा जाता है, इसका टेम्परेचर काफ़ी सही रहे 20 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर आपने देखा होगा सेशे में हमेशा इंक्लूड रहता है कीप इट इन स्टोर एट कूल ड्राई प्लेस, तो इसका यही रहता है जिसमें इसका टेम्परेचर है वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एंड मिनिमम इसकी 6 मंथ की वारंटी दी जाती है शेल्फ लाइफ, बट आजकल तो ये 12 मंथ भी ओके है। सो इस तरीके से मिल्क पाउडर बनता है या डेयरी वाइटनर बनता है। जो डेयरी वाइटनर है, मिल्क पाउडर जो भी है आप कह लीजिए, इसका कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले जो एक माइंड सेट है हमारा कि दैट फ्रेश मिल्क इज ऑनली द फ्रेश वन टू इंटैक, दैट्स नॉट करेक्ट अप टू नाउ, बिकॉज nowadays everything is not pure, everything has some the mixture of impurity also. So similar to that, अगर हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, हम टोटली मिल्क को स्किप कर देते हैं, फ्रेश मिल्क को स्किप कर देते हैं एंड डेयरी वाइटनर बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेते हैं, लाइक डेयरी वाइटनर से आप मिल्क तो ले ही सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे कर्ड भी बना सकते हैं, जैसे कर्ड बनाते हैं उसी तरीके से आप इसका कॉटेज चीज़ भी बना सकते हैं, तो डेयरी वाइटनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट एंड हेल्दी होगा। क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको अर्ली वीडियो में दिखाया था दैट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ऑल्सो एडेड टू द मिल्क, लेकिन अगर आप पैक्ड मिल्क रहते हैं तो वो आपके लिए सही है, बढ़िया है, लेकिन जो लोग पैक्ड मिल्क भी नहीं लेते तो वो लोग डेयरी वाइटनर ले सकते हैं। अब अफोर्डेबल रेंजेस में अवेलेबल हैं, 1 sachet is of 10 rupees एंड जो ब्रांड्स हैं जो इसके हैं डेयरी वाइटनर के, वो हैं नेस्ले इज द बिगेस्ट होल्डर ऑफ द डेयरी वाइटनर एंड आई थिंक नेस्ले के बाद ही ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका जो ब्रांड है इंक्रीज हुआ, ये प्रोडक्ट डेयरी वाइटनर का सबसे ज़्यादा प्रमोट करने में
जो एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं बॉन्ड जो बनाया है, कनेक्टिविटी बनाई है कंट्री की लोगों की इस ब्रांड से, वो अमूल कंपनी ने, सॉरी नेस्ले कंपनी ने ज़्यादा बनाई है। तो ये है नेस्ले का एवरीडे, फर्स्ट नंबर पे डेरी वाइटनर है ये, सेकंड पे आता है आपका अमूल्य, थर्ड पे है आपका अमृता, इट्स अ साउथ साउथ इंडस्ट्री, साउथ में है ये, एंड इसके बाद है मदर डेरी, और एक है अमूल का इन्फेंट स्प्रे, एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने डेरी वाइटनर्स को बनाना शुरू किया है। तो डेरी वाइटनर्स के अंदर वही न्यूट्रिशनल फैक्ट इंटैक्ट हैं जो हमारे फ्रेश मिल्क में होते हैं, साथ ही साथ इसके लेने से कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता, कोई भी स्किन के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी तरीके की आपको जो भी प्रॉब्लम्स एक्ने की होती हैं वो डेरी वाइटनर से नहीं आती, बल्कि डेरी वाइटनर का अच्छा सोर्स है अपनी बॉडी के लिए, आप कैल्शियम फुलफिल करने के लिए। अगर आप मिल्क को स्किप कर रहे हैं ड्यू टू द डाइटेशन रिकमेंडेशन, तो आप मिल्क पाउडर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो आपकी ऑप्शंस डॉक्टर्स बताते हैं वो आप चूज कर सकते हैं डेरी वाइटनर के थ्रू, एंड फ्रेश मिल्क को ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट द परसेंटेज ऑफ दैट न्यूट्रिशन फैक्ट मे बी डिफर फ्रॉम ईच अदर। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर उसमें 99% या 85% अमाउंट ऑफ कैल्शियम है तो इसमें 75% होगा। सो नॉट दिस काइंड ऑफ द लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस दे हैव, बट नॉट मोर देन दिस। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वी कैन नॉट एबल टू से दैट द न्यूट्रिशन फैक्ट शुड बी सेम। सो न्यूट्रिशन फैक्ट विल बी सेम, ऑफकोर्स देर शुड बी अ नियर बाय डिफरेंस विद ईच अदर। सो दैट वॉज अ माइनर डिफरेंस विच नेवर बी कंसिडर्ड एट द लार्जेस्ट थिंग। सो जैसे कि मैंने एक चीज और बतानी थी, हाई प्रेशर हार्मोनाइजेशन बताया था, तो इसको दोनों इन स्केल पे इस्तेमाल होती है, ये लार्ज स्केल में भी इस्तेमाल होती है एंड स्मॉल स्केल में भी इसका इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेरी वाइटनर और मिल्क पाउडर, एंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर इन मोर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो लिंक टू सब्सक्राइब अदर ऑल्सो। So as I said earlier also that your three factors give me more factors to make my new videos with new interesting topic and make you more awareness about the interesting topics. Like मैंने जैसे आपको production of cheese बताया है, wine बताया है, cottage बताया है, pasteurization milk का बताया था, एंड उसके बाद मैंने आपको आज मिल्क पाउडर को बताया है, इंसुलिन को बताया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जिनके बारे में हमें जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हमें और अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपके वो थ्री फैक्टर्स, व्यू, सब्सक्राइबर्स एंड शेयरिंग, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो टू मेक अनदर वीडियो विद द न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड विद न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक टू शेयर विद यू। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड मोर सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।